गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में MCL के एग्जामिनेशन में जो पूछी गई प्रश्न है, 28 नंबर तक का प्रश्न मैं अपलोडेड कर चुका हूं आपके सामने। 21 से लेकर के 61 तक के नंबर वन का क्वेश्चन जो है मैं आपको अपलोड कर रहा हूं, जो ओवरमैन के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। ये जो प्रश्न है इसको फॉर्मूले तौर पर आपको रिकॉर्ड करके रखनी होगी, वीडियो को बार बार देखना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला तौर पर मैं बता रहा हूं इसी प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न आपको ACCL और WCL के एग्जामिनेशन में पूछी जानी है। जैसे मैं फॉर्मूला कह रहा हूं इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न आपको दिख रही है कि हॉपकोलाइट यूज्ड फॉर, जैसे हॉपकोलाइट ये जो यूज्ड की जाती है, जो कि हमारा जो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर होता है या गैस मास्क होती है, तो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर आपको अच्छे से उसकी पढ़ लेनी है। कंस्ट्रक्शन, कंपोजिशन, फंक्शन, इसको पढ़ने जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आप जैसे ही मिश्रा सर माइनिंग क्लास YouTube चैनल आप सर्च कीजिएगा या वॉइस से सर्च करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको तुरंत निकल करके बता देगी कि हॉपकोलाइट में का यूज हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जांच के लिए करते हैं, न कि CO2 या H2S या न ही जो है CH4 के लिए करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 एक एग्जांपल के तौर पर देखें कि आपको फॉर्मूला ये दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके कौन से एग्जामिनेशन के लिए। बाय बैड लकली अगर आपका MCL या NCL में नहीं होता तो ACCL में अपनी सीट को जरूर बुक कीजिए, फॉर्मूले को तौर पर इन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करके आओ, और आपको जो याद है उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 तो तक वो रिकॉर्ड हो चुकी थी मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रही है, कोल बेंच हाइट इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जो कोल माइंस रेगुलेशन 105 में जो कीवर्ड और की नंबर के तहत मिश्रा सर माइनिंग क्लास में अपलोडेड है, तो 3 मीटर से अधिक उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए और 45 डिग्री से अधिक उसकी एंगल नहीं होनी चाहिए, इसकी जिक्र की गई और इसको आप टिक लगाए होंगे। आंसर आप 29 नंबर कंप्लीट कर लिए। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग से क्या प्रश्न पूछी हुई थी मेरे कैंडिडेट, मेरे स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं, आप जो है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग रेगुलेशन नंबर 106 से क्या प्रश्न पूछी हुई थी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही जो है आपसे 31 नंबर में पूछा हुआ था प्रश्न कि एनीमोमीटर से क्वांटिटी मेजरमेंट करने के दौरान में वेलोसिटी के साथ क्या चीज और मेजर की जाती है, तो हम गैलरी का विड्थ और हाइट मेजर करके हाइट इनटू विड्थ निकाल कर क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करते हैं, तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को टिक लगाए होंगे। तो इस तरह से 31 नंबर कंप्लीट हो चुकी है। 32 नंबर जो प्रश्न है, जो 32 फॉर्मूले की तौर पर कहलाएगी, जियोथर्मिक ग्रेडियंट क्या होती है, तो सरफेस से एक कांस्टेंट डेप्थ तक का जो टेम्परेचर होता है, जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ही रहती है, जिसको हम लोग हर फील्ड के लिए अलग अलग कहते हैं, वो 20 मीटर कहीं होती है, कहीं 38 मीटर होती है। तो आप मान लो कि 38 मीटर तक जो झरिया कोल फील्ड में है वो कांस्टेंट है, 28 डिग्री है, और उसके बाद जो है हर जो 20 मीटर के डेप्थ पर जो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, तो उसको ही हम लोग जियोथर्मिक ग्रेडियंट बोलते हैं, और वह टेम्परेचर जहां तक कांस्टेंट रहती है, सरफेस का टेम्परेचर के इक्विवेलेंट रहती है, उसको जियोथर्मिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। तो यह प्रश्न आप कर चुके होंगे, डेफिनेशन आपसे पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 33 तो देखिए क्या कहता है, पैरामीटर ऑफ रॉक मास रेटिंग। रॉक मास रेटिंग रूफ रॉक की जो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन होती है, ये भी मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। तो रॉक मास रेटिंग का पैरामीटर कौन कौन सा होता है, देखिए मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको याद करने के लिए बोला हूँ, बताया भी हूँ, LTSF 1 नंबर LT, 2 नंबर SF, 3 नंबर W, 4 नंबर CS, 5 नंबर GWS। क्या होती है, LT यानी कि लेयर थिकनेस, SF यानी कि स्ट्रक्चरल फीचर, W यानी कि वेदरेबिलिटी, CS यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और 5वां नंबर में ग्राउंड वाटर सीपेज। तो यहां पर जॉइंट से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा था, क्लियर प्रश्न नहीं आ पाई है मेरे पास, आप क्लियर करके बताइएगा कि क्या प्रश्न है। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स के अंदर ही बहुत सारे जॉइंट्स, जो फीसर्स होते हैं, जो स्लिप होते हैं, डाइक होते हैं, इसके अंदर ही इंक्लूड होकर के हम लोग पैरामीटर तैयार करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहता है, व्हिच ऑफ एक्सप्लोसिव नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन। तो इसमें ऑप्शन ए दी हुई है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, बी दिया हुआ है
स्लरी एक्सप्लोसिव सी दिया हुआ है, इमल्सन डी दिया हुआ है, LOX, तो लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो ओपन कास्ट माइंस में प्रोहिबिटेड है, तो आप इसको टिक लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहती है, एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, किस इंटरवल पर हम लोग हॉलेज रोडवे का सेफ्टी डिवाइसेस को एग्जामिनेशन करते हैं, तो इस संबंध में आपको जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का जो रेगुलेशन नंबर 92 है उसमें आपको बताई गई है, और उसके जो अपलोडेड वीडियो है जिस पर आप सर्च कीजिएगा सेफ्टी डिवाइसेस इन हॉलेज रोडवे ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपको तुरंत निकाल करके वो बता देगी कि जो है कितने इंटरवल पर किया जाता है। साथ ही जो है ट्रेवलिंग रोडवे का जो हमारा 93 रेगुलेशन है उसका जो जांच है कंप्लीट पर्सन द्वारा 7 दिन में एक बार की जाती है, तो 7 दिन में एक बार आप जरूर टिक लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है, टाइप ऑफ चेन कन्वेयर, इसमें से कौन सा टाइप है चेन कन्वेयर का, तो प्लेट टाइप है, डिस्क टाइप है, या क्या और ऑप्शन दी हुई थी जिसमें आप प्लेट टाइप जरूर टिक लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आर्मर्ड कन्वेयर से संबंधित प्रश्न थी या आर्मर्ड केबल से संबंधित प्रश्न थी, उसको आप लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, कौन फिर इसका आंसर हम लोग करेक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रही थी, जिसमें सेक्शन 12 के अंतर्गत जो कमिटी रहती है उस कमिटी के चेयरमैन कौन रहते हैं, तो आपको याद होगी जो सेक्शन 12 जो बनाई गई है कमिटी, उसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पदाधिकारी ऑफिस अधिकारी होते हैं वो जो है चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कहता है कि कोई डेंजर जिसके बारे में एक्सप्रेस नहीं है, कोई रीजन उसका एक्सप्रेस नहीं है, तो खान में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट करने का अधिकार चीफ इंस्पेक्टर को कौन से सेक्शन के तहत है, तो सेक्शन 22 के तहत उनको प्रोहिबिट करने का अधिकार दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, वेयर डेप्थ इंडिकेटर लोकेटेड, डेप्थ इंडिकेटर जो सेफ्टी डिवाइसेस है ये कहां पर लोकेट की जाती है, कहां पर एस्टेब्लिश की जाती है, तो वाइंडिंग इंजन रूम में WER में इसको इंस्टॉल की जाती है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 40 हो गई। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, डेंजरस अकरेंस रिपोर्ट जो होती है जब खदान में कोई डेंजरस उत्पन्न हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट कौन से फॉर्म में कितने घंटे के अंतर्गत आपसे पूछी हुई है, तो फॉर्म 4A में 24 घंटे के अंतर्गत 5 लोगों को आप जो है नोटिस जो है देते हो स्पेशल मैसेंजर से या टेलीफोन से। तो 42 में आपसे पूछा हुआ है चास नाला डिजास्टर के संबंध में पूछा हुआ है, जिसमें क्या रीजन से चासनाला डिजास्टर हुई थी, 1975 में ये प्रश्न के अंदर ही था, 372 आदमी फटल हुए थे और इनंडेशन के कारण से ये दुर्घटना हुई थी, जरूर ये आप करेक्ट करके आए होंगे। 43 नंबर में कहता है, गैप बिटवीन साइड ऑफ द टॉप शाफ्ट, जो शाफ्ट का जो टॉप है वहां पर अगर केज रुकती है तो केज का एज और शाफ्ट का एज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो 15 सेंटीमीटर आप जरूर टिक लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है, CMR 135 के 6 नंबर पॉइंट से, कि आपका जो सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर में ये बात बताई गई है कि ब्रोकन ग्राउंड का इंस्पेक्शन आप कितने दिन के इंटरवल में करते हैं एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, तो 7 दिन में एक बार करते हैं। उसके साथ ही ओपन कास्ट के से जो फायर से संबंधित एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन है या माइन एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन है वो आप 7 दिन में एक बार करते हो। 45 नंबर में कहता है रिलीविंग होल डिस्टेंस कहने का मतलब कि जब मिस फायर हो जाती है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 204 के तहत जब मिस फायर हो जाती है तो उस केस में जो रिलीविंग होल होती है जो मिस फायर होल से कितनी दूरी पर लगाते हो, तो 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं लगाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि हॉपको लाइट यूज की जाती है CO जांच के लिए। 47 नंबर जो है सिनोनाइमस ऑफ H2S जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसका सिनोनाइमस क्या होता है, तो उसमें आप ब्लैक डैम्प नहीं टिक लगाए होंगे, व्हाइट डैम्प टिक नहीं लगाए होंगे, स्टिंक डैम्प जरूर टिक लगा के आए होंगे, तो स्टिंक डैम्प ही जो है सिनोनाइमस ऑफ H2S गैस होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, जिसमें कहा है कि ब्लैक डैम्प किसका मिक्सचर होता है, तो आप एक्सेस नाइट्रोजन दी हुई थी प्लस में क्या और रहता है नाइट्रोजन के साथ, तो आप CO टिक नहीं लगाए होंगे, CH4 टिक नहीं लगाए होंगे, नन भी टिक नहीं लगाए होंगे, CO2 टिक लगाए होंगे, यानी N2 और CO2 का कॉम्बिनेशन ब्लैक डैम्प कहलाता है। अब 49 में देखिए, एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ CH4 जो एक्सप्लोजन के लिमिट है CH4 का वो लोअर लिमिट 5.4% है और 14.8% मैक्सिमम लिमिट है, आप इसको जरूर टिक लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि
इनमें से कौन सी लैंप का टाइप है जो नहीं यूज की जाती है, फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ था GL50, ऑप्शन बी दिया हुआ था GL7, ऑप्शन सी दिया हुआ है GL100 और ऑप्शन डी दिया हुआ है GL60। तो यहाँ पर GL100 को आप टिक लगा के आए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, करंटली यूज लैंप जो अभी वर्तमान समय में लैंप यूज की जा रही है माइंस में, वो GL50 और GL7 को टिक लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, CMR 153 के तहत एक प्रश्न पूछी हुई है कि जो परमिसिबल लिमिट ऑफ O2 है, यानी कि दो तीन प्रश्न आपको 53 से पूछा जा चुका है, जो कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास पर आप स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन सर्च करोगे तो केवल की नंबर और की वर्ड जो है आपको मिलेंगे और आप उसको देखकर स्टडी किए होंगे, जिसके संबंध में बहुत सारे लाइक आए हुए थे। तो यहां पर आप परमिसिबल लिमिट 19% से कम नहीं होनी चाहिए O2, ये आप जरूर टिक लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, नॉट ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी नहीं हुई है। आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, स्टॉपिंग का चेक करना और भी दी हुई है, सर्वे ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। तो जो वेंटिलेशन जो होती है वो वेंटिलेशन सर्वे कराने का काम वो बड़े तौर पर की जाती है, जिसके सुपरविजन में वेंटिलेशन ऑफिसर का द्वारा ही जो है की जाती है। तो यहाँ पर 53 पर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट होती है। 54 जो है क्या कहता है, आपसे प्रश्न पूछी हुई है, जो CO का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट 0.2% पर क्या होती है, यानी मानव शरीर पर 0.2% रहने पर CO का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो 30 मिनट के अंदर जो है अनकॉन्सियस हो जाता है और 10 मिनट के अंदर उसकी फेटल डेथ हो जाती है। आप 30 मिनट वाला जो है टिक लगाए होंगे, अनकॉन्शियस का लगाए होंगे। 55 नंबर में क्या कहता है, स्टेज ऑफ फायर, फायर की स्टेज कैसे पता करते हैं, तो ग्राम रेशियो से पता करते हैं। और आप दी हुई थी कि अगर फायर एग्जिस्टिंग है तो उस केस में आप 2% से अधिक होने पर उसको फायर एग्जिस्टिंग वाला टिक लगा के आए होंगे। 7% से अधिक है ग्राम रेशियो तो वो ब्लेजिंग फायर कहलाता है, 3% से अधिक है उसको एक्टिव फायर कहते हैं, और 1% से अधिक है तो इनिशियल स्टेज ऑफ फायर कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट किसको रिक्वायर्ड नहीं होती है, DGNS के एग्जामिनेशन में भी पूछी गई थी और आपके MCL के एग्जामिनेशन में भी पूछी गई है। तो लाइनमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, ओवरमैन की जरूरत पड़ती है, माइनिंग सत्ता को भी जरूरत पड़ती है, फोरमैन भी और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रख सकते हैं, रखेंगे ही। तो यहाँ पर 56 जो है लाइनमैन को आप टिक लगा के आए होंगे। 57 में मैक्सिमम करंट इन सिग्नलिंग वायर में मैक्सिमम करंट, यानी कि इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स है, जिसके चलते आप 30 वोल्ट जरूर टिक लगा के आए होंगे, 30 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, हाउ मच डेप्थ ऑफ शाफ्ट सेफ्टी डिवाइस सेफ्टी हुक प्रोवाइडेड, यानी कि सेफ्टी हुक कितने डेप्थ पर होने पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप जो है जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 81 है, जिसमें मैन वाइंडिंग की बात बनता है, उसी में बताया हुआ है कि 45 मीटर से अधिक गहराई होने पर आप सेफ्टी हुक प्रोवाइड करोगे। क्वेश्चन नंबर 59 में आप जो है टू रेप अगर जो बजाते हो मैन वाइंडिंग के तहत सिंकिंग सॉफ्ट सिंकिंग के तहत, सॉफ्ट सिंकिंग जो रेगुलेशन 84 में दी हुई है उसमें टू रेप बजाने का मतलब क्या होता है, तो आप लोअर टिक लगा के आओगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 60 जो है फ्लीट एंगल तो नहीं पूछी हुई थी कि जब रस्सा ड्रम पर मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन में रहता है तो वर्टिकल एंगल से जो एंगल बनती है उसको क्या कहते हैं, तो आप फ्लिट एंगल जरूर टिक लगा के आए होंगे, जो कि 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61 जो कि आज की आखिरी क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन मैं कल अपलोड करूंगा, और आपको याद आती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर क्वेश्चन को दीजिए, चाहे वो माइनिंग सरदार के लिए क्वेश्चन हो या फिर ओवरमैन के लिए हो। तो 61 प्रॉप डेंसिटी किसे कहते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ प्रॉप की संख्या को ही प्रॉप डेंसिटी कहा जाता है, जिसके संबंध में 61 नंबर आपसे पूछी गई है। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स के पास भी भेज करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, की नंबर और की वर्ड के तहत अपना नोट्स तैयार करते जाइए, और मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो हर कंटेंट है उसको आप रीड कीजिए, अवश्य ही अपने एग्जामिनेशन में एक सीट बुक करा करके अपनी जॉब को कंफर्म करेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।